पीछे था। अब आरके कॉलेज के बाद हम मिलाते हैं आपको सीएम साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं से। कितने उत्साहित हैं। चलिए एक बार हम पहले आपको सीन दिखाते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, आठवां दीक्षांत समारोह में उपाधि और गोल्ड मेडलिस्ट लेने के लिए ये छात्र काफी ज्यादा उत्साहित हैं और पहली बार मौका मिला है जब ये दीक्षांत का मतलब दीक्षा का अंत कर अपने कैरियर के सुनहरे भविष्य के लिए तलाशी मिले। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी प्राउड फील हो रहा है कि मैं सबसे पहले का मौका मिला। इसमें कोई ये गोल्ड मेडल नहीं, जी आपको नहीं, तीन नंबर से चुका हुआ। ये बताइए कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा से हम लोग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत गुड फील कर रहे हैं। हम ये राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, हम लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति आते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन राज्यपाल महोदय तपा दी, मैं उससे भी बहुत खुशी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यही कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अवसर है, सब लोग ऐसे एक तरह के लिबास में आए हुए हैं तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हम लोग एमएससी का डिग्री प्राप्त किए हैं। तो यस, अंदर से एनर्जेटिक भी महसूस हो रहा है। ये बताइए क्या कैसा लग रहा है आपको इस बार? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, जैसा कि हम लोग फाइनल ईयर कम्प्लीट करके यहाँ पहुँचे हैं और हमारे सारे मित्र भी यहाँ पर हैं। आठवां दीक्षांत समारोह है और अगर इसमें राष्ट्रपति हमारे आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती और बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है और इससे हम लोग सारे दोस्तों को आगे वेल विश भी करेंगे। हो सकता है कि ये दोस्त हमको मिले ना मिले और ये सच्चान हम लोग के लिए अद्वितीय रहा, ये क्षण हम लोग के लिए अद्वितीय रहा। तो चले, ये लोग भाग्यशाली भी हैं। हाँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जो मुझे दीक्षांत समारोह में शामिल होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दीजिए, सभी इस बार भाग्यशाली इसलिए है कि पिछले सातवें दीक्षांत समारोह में जब कुलाधिपति नहीं पहुंचे थे तो सभी निराशा में थे, सभी के चेहरे पर उदासी झलक रही थी, लेकिन आज जब कुलपति यहाँ पहुंचेंगे तो सभी के हाथ में जो उनसे जो एक सम्मान प्राप्त करने का है वो एक इच्छा और अभिलाषा आज इन लोगों की पूरी होगी। और इसी के साथ लगातार हम अपने मिथिला मसूरी पर दिखा सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर आप देख सकते हैं पल पल कार्यक्रम का। धन्यवाद। इनका कॉलेज के चुनौती के छात्र छात्राओं उनका हम आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए कितना उत्साह है, कितना उमंग है आज इन लोगों को। एक परिधान में है लोग और इस परिधान का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोग का एक सोच है शिक्षा का अंत करने के बाद अपने कैरियर और सुनहरे भविष्य के लिए। आज सभी कुलाधिपति से डिग्री लेने के बाद काफी उत्साहित है, अच्छा फील हो रहा है डिग्री लेने का कारण के हाथों से। क्या मन में क्या उमंग है? क्या बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जो पहले अंग्रेज का जो परिधान था उसको आज हम लोग हटा दिए हैं और देसी परंपरा के अनुरूप आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जितने भी हैं सब तो एक चीज इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्या कि मिथिला का पाक थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, वो यदि रहता तो और भी बेहतर होता और थोड़ा मिथिला का परंपरा आगे। चलो बेटा, गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे साथ है, कैसा महसूस कर रही है? आपको गोल्ड मिलेगा आज राष्ट्रपति जिसके लिए आपने वर्षों मेहनत की। कितने अंक मिले हैं आपको और कितना? मुझे मिला है 1265 टोटल से मेरा और 6th पोजीशन पर मेरा गोल्ड मेडल आया। तो हम बताते देख सकते हैं आप एक बार ऊपर एक जूम देखिए, जो शाहरुख का वो हुजूम हम अपने आस पास पीछे दिखा सकते हैं और यूट्यूब और ये पहला मौका होता है लाइफ में जब ये ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज के दिन हम लोग बहुत खुश हैं कि आज के दिन इतने सारे लोग एक जैसे